अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं लाइव विद मुस्कान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी होममेड कंडेंस मिल्क। तो होममेड कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कंडेंस मिल्क बनाना। तो यहाँ पे हम बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 कप यहाँ पर जाएगा दूध, तो साथ इसमें जाएगा मिल्क पाउडर 1 कप मिल्क पाउडर इसमें जाएगा। मिल्क पाउडर हमने डालना है, तो साथ साथ हम चम्मच से मिक्स करते जाएंगे इसे, ताकि इसमें गुठली ना बने, तो इसलिए हमने चम्मच का इस्तेमाल करते ही जाना साथ साथ। तो मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। जस्ट सारी चीज़ 10 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया। अब हम जाएगी इसमें चीनी भी इसमें 1 कप चीनी इसमें जाएगी। चीनी डालने के बाद हम फिर इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर भी हो गया चेंज। तो 20 मिनट में ये हमारा कंडेंस मिल्क हो गया तैयार। तो अब हम फ्लेम को करेंगे बंद, उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देख सकते हैं हमने इसे ठंडा किया, अच्छे से फ्रिज में रख के। तो आप इसे 1 महीने के लिए अपने फ्रिज में रखिए और सेव करें। जब भी आपका दिल करे कुछ बनाने के लिए, आइसक्रीम बना वगैरह बनाएं, या अगर आप क्रीम चाट बना लें तो इसमें कंडेंस मिल्क डालें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा है इसका। तो कंडेंस मिल्क बहुत ज़्यादा रेसिपी में आगे इस्तेमाल होगा, तो सोचा कि ना कंडेंस मिल्क हम अपने घर में बनाएं, वो भी होममेड कंडेंस मिल्क। तो हमें पता भी चल जाएगा कि कंडेंस मिल्क बनता है कैसे, बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हो गया है तैयार। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में यूट्यूब चैनल है विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।